ब्रेड एक साथ सावधान सावधान है, सब लोग सावधान है। हाँ सावधान में मालूम है कि सावधान में क्या होता है। हाँ एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे में छः इंच का गैप। हाँ इधर से शुरुआत होती है वही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पंजे में छः इंच का गैप। हाँ पंजे में छः इंच का गैप है, एड़ी से एड़ी मिली हुई है, पीछे पैर के पीछे ये है, दोनों पैर के नीचे। और आप लोग जहाँ पे रात में काम चालू रहता है देखते हो कि नहीं, तो देखते हैं तो बाहर क्यों करना चाहिए काम, ये मालूम होना चाहिए आपने। इसमें क्या कॉमन पैसे जी, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस, कॉमन एरिया का, कॉमन एरिया का हम लोग कैसे बोल रहे हैं दिन में उधर वो काम रख बाहर। अरे हम लोग यानी तुम लोग मत कर रहे हो, ये हम लोग और तुम लोग एक ही ओलिव कंपनी का है, समझ गए। कौन से कंपनी का है, सुबह वाले ने गलती किया तो शाम वाला भी गलती करेगा क्या। अभी वो लोग कितने दिन से, सुबह ने संडास किया तो शाम को भी संडास करेगा क्या। दिन में कुत्ता भागेगा नहीं, रात में इधर उधर भागेगा चलेगा क्या। एक दिन 11 बजे रात को बंद करवाए तो ये हुआ कि भाई परमिशन दिया है, परमिशन दिया। अरे परमिशन अंदर का होता, हमको कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है, समझ गए। हमको आपत्ति है क्या, काम कर रहा है अपना काम कर रहा है, अंदर काम कर रहा है ठीक है, मगर वो बाहर काम करके गंदगी फैला रहा है उसका जवाबदार कौन। हमारी लादी कीमती कितनी है, एक बार टूटने के बाद एक बार खरो जाने के बाद वो कैसा दिखेगा, कम से कम वो समझना चाहिए कि नहीं। हमको वो तो मालूम होना चाहिए, हमारी लादी है, तुम्हारे लादी पे तुम करने को दोगे ठोका ठोके करने को, उसके लादी में ठोक, तुम्हारे बाजू के घर में अगर ठोकता है तो ठीक है, मगर तुम्हारे उसके ठोकने से अगर तुम्हारा दीवार को खराबी आती है तो तुम बोलोगे कि नहीं, क्या बोले वो ठोक दे और ठोक जोर से, ऐसा बोलेगा। हंस रहा है क्यों, मजाक नहीं है चीज़ें ये। हम लोग मॉल में कहाँ कहाँ ड्यूटी करते हैं, चारों साइड पे बराबर की नहीं, लेकिन हम लोग की पोस्ट कहाँ पे है। अरे गेट पे हमारी पोस्ट है, समझ गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब जगह पे देखना पड़ेगा। जिम्मेदारी बहुत है, पूरा फ्लोर है, हमको पूरा फ्लोर देखने का, कोई भी कहीं पे भी सामान निकाल के डाल सकता है और फिर बाद में उठाएगा कौन। अगर तुम जिम्मेदारी तुमको दे दी, अगर कोई भी पड़ा हुआ सामान रहेगा तो तुमको उठाना और बाद में अपने घर पे लेके जाना है, चलेगा। कचरा बिचरा वो सब कोई भी फेंक देगा किधर भी, तब क्या करोगे, तब ध्यान दोगे। हाँ पहले ध्यान देना पड़ेगा ना। अरे जब ऐसा कानून लगेगा कि हमको ये सब उठाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा, कोई भी डालेगा निकलते समय, हाँ अपना ऑफिस के से बाहर निकलेगा और डाल देगा इधर उधर, और जो जो काम कर रहा है उसको पहला चेतावनी देंगे तो आगे वो काम करेगा नहीं ना, गंदगी फैलाएगा नहीं ना, बराबर कि नहीं। तो ये ध्यान देना है कि हम जब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जब हम लोग राउंड मारेंगे, जब जहाँ पे काम चालू है तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड मारेंगे देखेंगे। जब हम लोग राउंड मारते हैं, जहाँ पे जगह जाते हैं, कोई काम करता रहेगा तो पहला ही चेतावनी दो, बाहर कोई सामान काम होने के बाद रखेगा नहीं, डालेगा नहीं, यहाँ से उठा के लेके जाएगा। बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम करने के बाद अपना जो भी कचरा है वो तिवारी के इधर डाल देंगे, नहीं तो बाहर डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, हमको मालूम नहीं है। मगर हमको मालूम कब पड़ेगा, जब देखेंगे भाई अपना कोई सवाल उठाएगा तब, नहीं तो इतना पूरे परिसर में कोई भी कहीं पे भी कुछ भी डाल देगा। इसलिए हमको सामने वाले को चेतावनी पहला से देना चाहिए। अभी कल देखो आपके सामने आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हमको चिल्लाना है कि नहीं चिल्लाना है, हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम है कि वो सुबह से काम कर रहा है तो हमको करने दो, हमको यही मालूम है, लेकिन हमारी जगह कौन सी है, कॉमन एरिया की जगह हमारी है, कॉमन एरिया मेंटेन करने की जगह हमारी है। कौन सी मेंटेन का मतलब ये जगह का ख्याल रखना हमारा काम है, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस ये लोग देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वापरने के लिए नहीं दिया है हमने, हमको उस जगह की निगरानी रखने के लिए, उस जगह को साफ सफाई रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, समझ गए। क्या समझ रहे हो, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस जगह की कॉमन एरिया मेंटेनेंस हम लोग ओनर से लेते हैं, मगर हमारी जिम्मेदारी क्या है,
उस जगह की निगरानी रखना, उस जगह की साफ कर रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ हाउस कीपिंग है, किसको क्या काम कर रहा है, कॉमन एरिया का मेंटेनेंस यानी साफ सफाई, कॉमन एरिया का साफ सफाई कर रहा है, भर रहा है कि नहीं। लेकिन उसके जगह पे अगर कोई डाल दिया तो क्या वो उठाते बैठेगा? तो उसके लिए अगर कोई डालता है तो हमारी सिक्योरिटी रखी है, क्या रखी है? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का काम है उस जगह का देखभाल करना, समझ गए? कोई भी अगर उस जगह पे रखता है तो हमको उठाने का, वो कौन है, कौन है? शिवराज ट्रांसपोर्ट वाला है, मालूम है हम लोग को, उसको पैसा देना पड़ेगा। उठा के लेके जाओ भाई, माल इधर कोई डाल दिया मालूम नहीं, लेकिन उठा के डालने वाला भी वो चार्ज मारेगा। कितना मारेगा पूछो एक बार, पता चलेगा हमको। फिर नहीं तो उठा के डालना पड़ेगा, नहीं तो इसको काम देना पड़ेगा तुम लोगों को। है कि नहीं, समझ रहे हैं बात को? समझो, यानी खर्चा हमको आ जाएगा, हमको खर्चा आ जाएगा। हम लोग की निगरानी का मतलब बहुत सारा, हम लोग क्या करते हैं, पोछ छोड़ के चले जाते हैं, मगर ये जिम्मेदारी बहुत सारी है। पोस्ट छोड़ना ही नहीं चाहिए जब तक दूसरा नहीं आता। हाँ, दूसरा आना नहीं चाहिए। तो पोस्ट हम लोग इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि ताकि कुछ हादसा होता तो जिम्मेदार कौन रहेगा? हम रहेंगे, समझ गए? 8 बजे के पहले हुआ तो दिन वाला रहेगा, 8 बजे के बाद से। हाँ, तो ये निगरानी रखना जरूरी है, मगर बोलना भी जरूरी है। अगर हमको दिखाई देता है हम बोलेंगे नहीं तो क्या मतलब है? अभी चलो पोस्ट पे नहीं रहेगा तो हमको दिखाई नहीं दे रहे, मगर पोस्ट पे रहने के बाद भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे तो कैसे चलेगा? जगह कॉमन एरिया पैसेज में कोई भी चीज बाहर नहीं रख सकते, बाहर रखना ही नहीं रहता है, मगर रखा रहता है। बस हम लोग चिल्लाते नहीं, बराबर हम लोग जमा करेंगे तो पता चलेगा उनको। मैंने बोला जमा करो तब जाके वो अंदर रखने लगा। आप उस सामान को हाथ लगाते थे, एक भी सामान उठा के लाते थे ना, तो उस फोन करके मैं बुलाया। हाँ, फिर अंदर डालना चालू किया, तब चेयर भी सब अंदर रहना चाहिए। ये चीजें हम लोग इसको क्यों दें? क्योंकि हमारे नियम में, हमारे नियम में यानी हमारा नियम क्या है, हमारा नियम परमिशन का पेपर पे, परमिशन के पेपर पे लिखा रहता है, नियम क्या रहता है, नियम लिखा रहता है, लिखा रहता है कि बस उसको काम करना है अंदर। अगर बाहर करता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग लेते हैं, 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते। क्यों लेते हैं? कि कॉमन एरिया में अगर काम करता हुआ मिला तो उसको काट देते हम लोग, समझ गए? लेकिन हम लोग एक सिक्योरिटी डिपॉजिट गंदगी फैलाने और नुकसान हमारे चीज़ों का करेगा तो हमको काट करना पड़ता है, इसके लिए लेते हैं हम लोग। मगर हम लोग आज़ादी देंगे तो उसका नियम का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। और कौन रहता है काम करने वाला, कौन रहता है? अनपढ़ लोग है, जो इंग्लिश में अगर ये लिखा है, क्या लिखा है, नियम इंग्लिश में लिखा है, ऊपर का पन्ना छापा है, अंदर एक बड़ा 2-3 पन्ना रहता है, वो पन्ना तो चिपकाया हुआ नहीं रहता कि हम बताएं भाई इसमें ये लिखा है वाम काम करने का परमिशन नहीं, अंदर काम करने का पान तंबाकू गुटखा दारू पीने का परमिशन नहीं रहता है। और अपना सामान अगर बाहर निकालते हो तो डायरेक्ट टेम्पो में डालना है, टेम्पो में डाल के आपको कहाँ पे लेके जाना है, जहाँ पे आपको लेके जाना है लेके जा सकते हैं, मगर यहाँ वहाँ डालना नहीं है। ये सब चीज़ें हमको जब राउंड मारते हैं तब ये सब उनको दोहराना है। उनको मालूम नहीं रहता है, कोई कभी सुपरवाइज़र कोई कोई मालिक लेते हैं परमिशन मिला हमको बस लेके चले जाते हैं, सामने वाले देने वाले परमिशन भी बोलते नहीं है कि बाबा ये पढ़ो इसमें सारे चीज़ें लिखी है, नहीं बोलते। लेकिन हमको बोलना है, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने समझाया आपको, आपको समझ में आया, मगर आप उनको समझाओगे तो उनको समझ में आएगा। अगर उनको मालूम ही नहीं है बोलते हमको मालूम ही नहीं, तो क्या होगा? हमको मालूम नहीं है तो क्या होगा, वो गंदगी करेगा, फिर गंदगी करेगा तो हम लोग टोकेंगे नहीं तो वो वापस करते रहेगा। मगर जब चालू होता है काम, हमारी ड्यूटी चालू होती है हमारे पोस्ट पे, हमारे आजू बाजू में जितना हो सके हम लोग अगर राउंड मारेंगे, देखेंगे उस जगह को, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। गलत जो काम करने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मना करना हमारा काम है, सिक्योरिटी का काम ही देख रेख करना है, हर चीज़ों के ऊपर देख रेख हम लोग अगर करेंगे तो ये बराबर काम करने का ड्यूटी किया है, बराबर हमने ड्यूटी किया है, बराबर कि नहीं? नहीं तो क्या है, आए और गए, ये मतलब नहीं है। रात हुई इसका मतलब कुछ ऐसा जिम्मेदारी नहीं है, रात में उल्टा और टेंशन रहता है, सब लोग कोई नहीं रहता है तो वो छुपके से कोई भी आ सकता है और कहीं से भी उसका इरादा अगर गलत है तो गलत काम कर सकता है।
तो इसके लिए चौकन्ना रहना रहता है हमको, ऐसा नहीं कि बस मुंडी डाल के नीचे। अभी मैं आया, मैं यहाँ से निकल गया पाँच कितना बजे, 5:30 बजे हाँ, तो वो टाइम पे ये भाई साहब इधर ही थे हाँ, तो इधर गेट पे तो कोई नहीं था, बोलते गेट खुला है जाओ एक साइड खुला है, अरे एक साइड खुला है उला ने, हम लोग को बस ऐसा चौकन्ना रहना चाहिए, ड्यूटी कैसा करना चाहिए, ड्यूटी करते समय ये राउंड मारना चाहिए। तुम उधर अंदर बैठ के हो, केबिन में बैठ के हो, थोड़ी वो क्या करना, बैग चेक करना किसी का, हमको ये चौकन्ना यानी ये जगह अगर मिले तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरे को देखना है। तुम देख सकते हो, चलोगे चार कदम चलोगे तो इधर का देखोगे, उधर का देखोगे, उधर का देखोगे, उधर का देखोगे, ये पूरा जगह देख सकते हो आप लोग, ये समझ लो बात। आप अगर मॉडल एंट्रेंस में हो तो खाली ऐसा ही उधर खड़ा नहीं रहना है, इधर आधा इधर घूमोगे, थोड़ा वो साइड में आगे जाओगे तो रास्ते का सब पूरा दिखेगा, ये सब चीज़ें हैं। गेट पे अगर एग्जिट गेट पे कौन था देखोगे तो आगे पीछे रास्ते का भी सब दिख सकता है, आगे का थोड़ा उधर चलोगे तो उधर का दिखेगा, चार कदम चलना है हमको, समझ गए, चार कदम चलना है, आगे पीछे देखना है, तुरंत ऐसा नहीं कि चल के मैं चला गया उधर ही रुक गया, मुझे वापस लौट के आना है, वापस हमको लौट के आना है और वापस देखना है ये जगह का, ये ध्यान में रखो। कौन सा ड्यूटी किधर रहता है तुम्हारा ड्यूटी, गेट पे तुम्हारा ड्यूटी, मॉल एंट्रेंस पे तुम्हारा ड्यूटी, कॉर्पोरेट पे क्या किधर, चेक पॉइंट है, फिर ये सब तुमको देखना, चेक पॉइंट है तो पूरा पूरा एरिया देखना है तुमको, बस ऐसे ही नहीं उधर जाके बैठ जाना है, मैं जगह हूँ, अरे जगह ये चीज़ें मत बताओ मेरे, आए हूँ करके, समझ गए। तुम्हारा ड्यूटी लेबर गेट है तो लेबर गेट का पोस्ट छोड़ो मत, कोई भी आदमी आ सकता है, उनका बैग चेक करना, तुम्हारा उनका एंट्री करना ज़रूरी है हमको, और तुम्हारा काम रहेगा जहाँ जहाँ पे काम चले उसको चौकन्ना देना, ये करना, नहीं तो मेरे को फ़ोन करो, ये नंबर है मेरा लिख लो, अगर आदमी नहीं है तो मुझे कॉल करो, मगर तुम्हारा एंट्री होना ज़रूरी है, बैग चेक करके जाना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको बैग से प्रत्येक चेक कर दो। अरे कभी ऐसा होता है कि हम बाथरूम में जाएंगे, हम लोग इधर जाएंगे मगर ये नहीं रहेंगे, तो वो टाइम पे ये सब चीज़ें रात वाले को जो जो काम कर रहा है उनको बता के जाओ, मगर पोच छूटना, कभी कभी बोलते हैं अरे वो रात में कोई नहीं था, दिन में कोई नहीं था, ये सब चीज़ें हमारे इसमें नहीं आना चाहिए, हमारा डर उनको बैठना चाहिए, समझ रहे हो, डर बैठना चाहिए, मुंगेरी लाल के जैसे बस बैठना नहीं है उधर, समझ गए, दो मिनट हो या एक मिनट, आदमी इधर देखो उधर देखो, आदमी अभी देखो ये उधर जगह है या उधर खड़े हैं, मगर उनको डांटे नहीं, उसका मतलब क्या हुआ, आदमी जागने के बाद भी सो रहा है, समझ गए, आप लोगों को पता नहीं है कि उसको डांटना है कि नहीं डांटना है, आपको पता ही नहीं था डांटना है कि नहीं डांटना है, वो तो मेरे आने से पहले काम कर रहा था, मेरे आने के बाद भी काम कर रहा है, उसमें कोई गलत आपको दिखाई नहीं दिया, पता ही नहीं चला नहीं। तो ये पता होना ज़रूरी है, समझ गए, कॉमन एरिया मेंटेनेंस हमारा है, आप लोग बताए कॉमन एरिया मेंटेन करना हमारा काम है, कॉमन एरिया में हमारी हाउसकीपिंग होती है, कॉमन एरिया में हमारी सिक्योरिटी होती है, अगर उसको साफ करना पड़ेगा, अगर उसको डालना पड़ेगा, वो डालेगा क्या, फिर ऐसा ही पड़ा रहेगा, फिर खर्चा किसको आएगा, अपने ऊपर आएगा, अपने कितना पैसा लेता पूछ लो एक बार डालने का, तब जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी देंगे तो क्या करोगे, तो हंसो मत, इसको मजाक में मत लो, इसलिए मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, काम हमको कुछ करना नहीं रहता, देख रेख करना और टोकना, देख रेख करना टोकना ये हमारा काम है, हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको बस उनको बताना है, अगर पहले से बताओगे तो नहीं करता है गलती, हम लोग बताते नहीं है, हम लोग मुंह नहीं खोलते है, इसके लिए गलती हमसे हो जाती है, समझ गए आप लोग, हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग जब बोलेंगे तब सामने वाला सुनेगा, नहीं सुनेगा तो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र नहीं है तो मैं हूँ, उनसे नहीं अगर बात मान, लेकिन हम बोलते नहीं तो हमको सामने वाले से पंगा लेते नहीं तो पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है ना, सामने वाले से अगर सामने वाले को रोकोगे तब जाके उसको पता चलेगा कि बाबा इधर काम नहीं करना है तो नहीं करना है, जिसको काम करना है वो अंदर काम करेगा, काज के अंदर काम करना है, हाँ काज का जो भी एक भी चीज़ उनको बाहर नहीं रहना चाहिए, वो थोड़ी लादी पोछा करेंगे, बोलेंगे काम खत्म होने के बाद हम झाड़ू मारेंगे, अरे ये काम जो करता है हाउसकीपिंग वाला उसी तरह वो काम करके देगा, साफ सफाई करके देगा क्या, कल आपने देखा रहेगा उसने अगर कोई झाड़ू मारा रहेगा, झाड़ू भी नहीं रहता उनके पास,
समझ गए, झाड़ू नहीं रहता उनके पास, ना वेट मॉप रहता है, यानी ड्राई मॉप और वेट मॉप या हाउसकीपिंग के पास जो रहता है उनके पास रहता है क्या? नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई भी काटेंगे तो धुआं अपना वो क्या बोलते हैं कारपेंटर का वो जो लकड़े का भूसा रहता है सब जगह पे उड़ जाता है। ये सब चीज़ें उनको अंदर करनी है, उनका लुकाड़ है, सब जगह बाहर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो पहले कौन ला, क्यों बोला लाके लाने को, जाओ नीचे पार्किंग में रख दो या किधर अपने हिसाब से रखो, मगर हमको उनको आज़ादी नहीं देना है। समझ में आया? किधर किधर जिधर जिधर काम चालू है उसका फ़ोटो निकालो, अपने ग्रुप में डालो, खाली आदमी के फ़ोटो डाल के मतलब नहीं है। जिधर जिधर काम चालू उसका फ़ोटो डालो कि बाबा ये यहाँ पे ये काम चालू है, इनको बता दिया कि भाई अंदर काम करो, बाहर काम कर रहा था, ये सब डालो ना। चीज़ें आनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, यहाँ पे कौन सा ऑफिस चालू है उसके अंदर चार आदमी है डालो, क्या फर्क है, डेटा वो आना चाहिए। सिर्फ आदमी जगह है बस खड़े करो उसका फ़ोटो डालो, कोई मतलब नहीं है। हाँ समझ गए, वो छूटा छूट गया अरे कोई नहीं है, ऐसा डालोगे क्या? नहीं डालोगे हमको, लेकिन ये ब्रीफिंग में बताना है। समझ गए, मजाक में मत लो, सीरियसली लो, कल कुछ हादसा हो जाएगा कल तुमको बोलेगा ये कोई सामान पड़ा है तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको लेके जाना पड़ेगा बाहर। हाउसकीपिंग को तुमको बोलेगा ये सब गंदगी की तुम लोग ने देखा नहीं, तुम लोग को अभी ये वेट मॉप लेना है, ड्राई मॉप लेना है और पोछा मारना है, तब जाके वो सीरियस हो जाओगे फिर। समझ गए? यस सर। हमारा काम कम से कम रोकना है, गलत काम कर रहा है उसको टोकना है, अगर करते हैं तो हमने हमारी ड्यूटी बराबर की, नहीं तो ये हजामत इनको करना पड़ेगा हाउसकीपिंग को, वो भी ज़्यादा नहीं करेगा वो तो परेशान हो जाते हैं ऐसा ऐसा मॉप मार के, उसमें ही वो सब माल डाल के रखा रहेगा तो ये होगा। इसलिए लेबर गेट पे जब जब आते हैं आदमी लोग उनको पहले ही चिल्लाओ, पान तंबाकू गुटखा इधर खाना नहीं है, दारू नहीं पीना है, मॉल के अंदर किधर काम करते हो उसके अंदर ही काम करना है, बाहर काम करना नहीं, अंदर का वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, मालूम है आपको? वो कभी भी कर सकते हैं मगर हम लोग नीचे रहते हैं, लेकिन चेतावनी अगर आप दोगे तो थोड़ा कम से कम उनके पल्ले तो पड़ेगा। अरे सर मालूम नहीं था, बोलेंगे नहीं ऐसा क्योंकि सिक्योरिटी ने उसको क्या किया है, बता दिया है, मना किया है, यानी वो तो ध्यान में रखेगा ना, ये ध्यान में रखो। समझ गए सब लोग? यस सर। याद रहेगा हमारी चीज़ों की, हमारी जगह की, कॉमन एरिया का हमको ध्यान रखना है और उसी तरह से आपको काम करना है, ठीक है? ओके प्रेड एक साथ विश्राम, विश्राम में दोनों पैर में अंतर 12 इंच 16 इंच, हाथ पीछे प्रेड एक साथ सावधान, सावधान में किधर एडी से एडी मिली हुई, पंजे में 6 इंच का गैप और मूड बंद करके और सिलाई के पीछे प्रेड एक साथ विश्राम, प्रेड एक साथ सावधान, प्रेड एक साथ सलूट सलूट सलूट, कैसे हाथ पीछे है क्या आगे? हाँ मूड बंद, सावधान में सलूट होता है, ध्यान में रखो, वापस सावधान में सलूट होता है और सलूट में सावधान पोजीशन में रहना चाहिए। एडी से एडी मिली है क्या, देखो चेक करो, प्रेड एक साथ सलूट। क्या कब करेगा तू, क्यों तेरे को आया नहीं आज? प्रेड एक साथ सलूट, ये क्या इतना लेट क्यों? अरे ये सावधान, ये पोजीशन हाँ, ये सावधान पोजीशन, ये इधर से हाथ यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जय हिंद बोलेंगे आप नीचे आ जाएगा तुरंत, हाँ होता है कि नहीं आगे पीछे हाथ, प्रेड एक साथ सलूट, जय हिंद।